ओके okay, सो so अब स्टार्ट करते हैं पार्ट ट्वेंटी वन से बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट part में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एडिक्शन एंड डिपेंडेंस की जो लोग ड्रग्स लेते हैं या जो लोग अल्कोहल लेते हैं जब वो डिपेंडेंट हो जाते हैं तो क्या होता है प्लस जब वो उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है बिकॉज ऑफ द परसिवड बेनिफिट ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेडली क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे कुछ बेनिफिट होगा फायदा होगा या जो भी उनको फील हुआ पहले उस चक्कर में क्या होता है ये जो ड्रग्स होते हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं लिए जाते हैं

Of well -being with drugs and एल्कोहल लेने के बाद जो अच्छी फीलिंग आती है कुछ लोगों को या उनका बॉडी बहुत ऐसा लगती है कि कंट्रोल में नहीं है तो दे इंजॉय दैट फीलिंग और होता क्या है उसकी वजह से क्या होता है वो उसको मतलब वो उसको बार बार लेते हैं तो ये जो अटैचमेंट है या एडिक्शन है ये किस चीज़ से अटैचमेंट है उस फीलिंग से जो उसको लेने के बाद आती है दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड और इवन व्हेन दे यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन सब चीजों की वजह से क्या होता है वो ऐसी कंडीशन में भी ड्रग्स को लेते हैं जब इनको जरूरत नहीं है पहली बात तो दूसरी चीज वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाए लाइक वो उनको खुद को नुकसान पहुंचाने लगे विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी जब बार बार ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं अगेन एंड अगेन अगेन एंड एंड अगेन तो क्या होता है जो टॉलरेंस लेवल होता है किसका जो हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है उनका जो टॉलरेंस लेवल होता है वो बढ़ता है

However, it should be clearly borne in mind that use of ऑफ दीज ड्रग्स इवन वन कैन बी अ फोर रनर टू ये चीज और दिमाग में रखनी है लोग सोचते हैं कि एक बार ले लिया तो कौन सा addiction हो गया या एक बार लेने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा But it's not like that. क्या होता है जब एक बार कोई drugs लिए जाते हैं या कुछ भी हम चीज जैसे लेते हैं first time try करने के लिए उसकी वजह से addiction हो सकता है दस द addictive पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल पुल द यूजर इन टू vicious सर्कल लीडिंग टू देयर रेगुलर यूज फ्रॉम विच ही शी मे नॉट बी एबल टू गेट आउट एंड जब उसको एक बार लिया उसने उसको इतना ज्यादा उसका शौक लग गया कि भाई अब वो सिचुएशन <coughs> ऐसी हो गई कि अब वो बार बार ले रहा है तो क्या होगा रेगुलर यूज़र बन रहा है इन द एबसेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट्स एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर यूज और जब कोई उनको देखने वाला नहीं होता कोई प्रॉपरली गाइड करने वाला नहीं होता कोई प्रॉपर काउंसिल करने वाला नहीं होता तो वो पर्सन एडिक्टेड हो जाता है उन चीज़ों को यूज़ पे ठीक है dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic with unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs alcohol is abruptly discontinued होता क्या है डिपेंडेंस डिपेंडेंस किसी चीज पे क्या है टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ एंड कर विड्रॉल सिंड्रोम देखो जब लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं चाहे वो एल्कोहल हो गई चाहे वो ड्रग्स हो गए तो बॉडी एक शो करती है विच वी कॉल विड्रॉल सिंड्रोम तो उसमें क्या होता है अगर वो चीज कुछ टाइम के लिए उनको ना मिले तो उनकी बॉडी में देयर आर सर्टीन कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर्स मतलब उनकी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जब उनको वो ड्रग्स नहीं मिलते जैसे कि उनकी बॉडी में एन्जाइटी देखने को मिलती है शेकीनेस देखने को मिलती है नौसिया एंड स्वेटिंग देखने को मिलता है और वो कब रिलीव होगा जब वो दोबारा उस चीज़ को लेंगे तो इसीलिए आधे लोग छोड़ नहीं पाते कोई भी ड्रग्स को बिकॉज वो लेते हैं ठीक है उसके बाद जब उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं उनकी बॉडी अलाउ नहीं करती दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ जो क्या कहते हैं मतलब चीज़ें दिखती है उनकी बॉडी में उनको दिक्कत होती है इन सम केसेस विद्रोल सिम्टोम कैन बी सीवियर इन ईवर लाइफ थ्रेटनिंग कई केसेज में क्या होता है जो ये विड्रोल सिमड्रोम होते हैं मतलब कि जब वो छोड़ने की कोशिश करते हैं बहुत सीवियर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल uh, होते हैं एंड दे आर ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग एंड वट इज देट मीन मतलब कि उनकी जान पर भी बात बन के आ सकती है बिकॉज उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है सो इन दैट केस द पीपल और द पर्सन नीड मेडिकल सुपरविजन ठीक है डिपेंडेंस लीड द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म इन ऑर्डर टू गेट सफिशेंट फंड टू सेट हिज हर नीड्स मतलब कि क्या होता है डिपेंडेंस जब किसी चीज़ पर डिपेंडेंस होती है तो पेशेंट क्या करते है? सारी हैं सारी चीज़ें जो आसपास के रूल्स रेगुलेशन सोशल कस्टम्स सोशल नॉर्म्स हैं उनको भूल के वो क्या करते हैं वो सोचते हैं कि बस हमारी ज़रूरतें पहले हैं बाकी सब कुछ बाद में तो इसलिए दे बिहेव रेकलेसली दे डोंट थिंक अबाउट अदर्स कि भाई इसको प्रॉब्लम हो रही है मेरे घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वट दे नीड इज कि भाई हमारा जो काम है वो ढंग से हो हमें जो चीज चाहिए वो प्रॉपरली मिले एंड ऑब्वियसली इट लीड्स टू सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उनको प्रॉब्लम होती है सोशली कहीं भी एडजस्ट करने में ठीक है तो ये हुआ एडिक्शन एंड डिपेंडेंस ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा दिस वॉज पार्ट ट्वेंटी वन ऑफ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दूसरी चीज़ आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए वहाँ पे इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बायोलॉजी प्ले लिस्ट और इनफैक्ट और क्लासेस की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट मतलब जो होता है ना हर चैप्टर uh, की अलग अलग प्ले दिख जाएगी या फिर आपको बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक कवर हुए हैं वो उसमें कवर हो दिख जाएंगे थैंक यू सो मच